एक दिन मैंने अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी की. एक्टिविटी का मकसद स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को चेक करना था. उस एक्टिविटी में मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप में तकसीम किया और उनको ये टास्क दिया कि वो कोई भी ऐसा सुपर हीरो क्रिएट करे जिसके पास कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर हो जिसके ज़रिए वो हमारे सोसाइटी में मौजूद किसी भी एक मसले को फौरन से हल कर सके. 5 में से एक ग्रुप ने गार्बेज मैन के नाम से एक सुपर हीरो क्रिएट किया. आइए उन ग्रुप मेंबर से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने गार्बेज मैन क्यों और किस मकसद के लिए क्रिएट किया. हम लोगों ने गार्बेज मैन इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि अगर हम हज़ारा कब्रिस्तान में देखें तो काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है. हमने देखा कि इंसान तो कचरा नहीं उठा रहे, इसलिए हमने सोचा कि कोई गार्बेज मैन ही होगा जो उसे उठा के कहीं दूर ले जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने एक गार्बेज मैन क्रिएट किया है. और इसकी एक वजह ये भी है कि हम जब सुबह सवेरे उधर एक्सरसाइज करने चले जाते हैं तो उधर बहुत सारे कचरा होते हैं जिसकी वजह से हम अच्छी तरह एक्सरसाइज नहीं कर सकते. और उसके जो कचरा उधर पड़ा हुआ है उससे जो उसकी जो बदबू है वो माहौल को ख़राब करता है. और जो लोग वहाँ एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं वो सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं. और जहाँ पर कचरा होगा यकीनन वहाँ पर गंदगी भी होगी और मच्छर वगैरह होगा, और उन मच्छरों की वजह से आसपास के चुकरों में ही बीमारी फैल जाती है. तो इन सब हालात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक सुपर हीरो बनाए जो अपने सुपर पावर के ज़रिए वहाँ से कचरे को उठाकर कहीं दूर ले जाए. आज से 10 साल पहले हज़ारा टाउन में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए सिर्फ 2 जगह थी, एक अली आबाद ग्राउंड और दूसरी वो ये जगह जो आप पीछे देख रहे हैं. 2004 से 2011 तक मैं खुद यहाँ रेगुलरली आता था और हम लोग सैटरडे संडेज और फ्राइडेज़ को यहाँ पे मैच खेलते थे. आज संडे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले संडेज़ को यहाँ जगह ही नहीं होती थी. यहाँ जो 2 पिच बने हुए हैं यहाँ क्रिकेट खेलने लोग आते थे. अब क्यों नहीं आते, जबकि आज ही के दिन अगर अली आबाद ग्राउंड को देखा जाए तो वहाँ काफ़ी रश है, लेकिन यहाँ पे क्यों लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलने नहीं आते, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये, आप ये जो कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे एक किस्म की बदबू भी यहाँ से आती है और कचरों को जलाया भी जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के और फुटबॉल खेलने वाले वो यहाँ आने से गुरेज करते हैं. सोलह में द फ्यूचर बिगिंस हियर की टीम की तरफ से बोनफायर के नाम से एक सोशल इनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ. उस प्रोजेक्ट में जो सोसाइटी में मौजूद सोशल इश्यूज़ है उन पे पार्टिसिपेंट्स ने कैंपेन चलाए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की. उन्हीं में से एक एक्टिविटी ये थी कि ये जो हज़ारा कब्रिस्तान है, हज़ारा टाउन का जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए और एक दिन के लिए उन्होंने ये कब्र पे जितने कचरा पड़ा हुआ है उसे साफ़ किया. एक्टिविटी का मकसद ये था कि यहाँ पे जितने लोग अपने अजीज़ों या रिश्तेदारों के कब्रों पे आते हैं वो अपने साथ कचरा ना लाए और जो बाकी लोग भी यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ कचरा ना फेंकें. उस एक्टिविटी पे जो एक एतराज़ था हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से आया था, जो कि मुझे लगता है कि जायज़ भी है, वो ये है कि उन्होंने कहा था कि
जितने कचरे यहाँ पे पड़े होते हैं वो उसे वो लोग नहीं लाते जो यहाँ अपने अजीज़ों या रिश्तेदारों की खबरों पे आते हैं, बल्कि ये वो कचरा है जो यहाँ जो पीछे कचरों का पहाड़, इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, वो हवा का रुख जब इस तरफ होता है तो वो कचरा कब्रिस्तान की तरफ आ जाता है। तो जब तक ये कचरों का पहाड़ यहाँ से हट जाता तब तक कचरे का मसला हल नहीं होगा और कब्रिस्तान कभी भी साफ़ नहीं होगा, चाहे हम हर दिन इसकी सफाई करते रहें। ये तो थी इस कचरे के ढेर की कहानी, अब आते हैं इस मसले के हल की तरफ। कहा यह जाता है कि अगर किसी भी मसले को हल करना है तो सबसे अहम ये चीज़ है कि ये तस्लीम किया जाए कि वो मसला वजूद रखती है या नहीं। बच्चों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक मसला है, लेकिन बड़े अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वाकई ये कचरा इन रिहाइशों के लिए एक मसला है या नहीं। अब आते हैं उन जिम्मेदारान की तरफ जो इस मसले के लिए ज़िम्मेदार है। सबसे पहले तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो यहाँ एक गाड़ी बेचती है, हर दिन मेट्रोपॉलिटन की तरफ से एक गाड़ी यहाँ आती है, लेकिन वो काफ़ी कम कचरा यहाँ से उठा के ले जाती है। दूसरे ज़िम्मेदारान हैं इलाका काउंसलर, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है जो पूरे इलाके का जो सफाई सुथराई वो उनके अंडर आती है। तीसरे ज़िम्मेदारान हैं वो जो कचरा यूनियन या जो ठेकेदार यहाँ पे है, मैं उन मज़दूरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो घरों से सुबह सवेरे कचरा उठा के यहाँ ले आते हैं, क्योंकि वो तो ठेकेदार की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि उनको मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं तो सारे पैसे जो है वो ठेकेदार के पास चले जाते हैं। तो ठेकेदारान को की भी ये ज़िम्मेदारी है, कुछ ठेकेदार यहाँ पे हैं तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस मसले को हल करें। और सबसे अहम और सबसे आखिरी इलाके के रिहायशी, इलाके के रिहायशी इस बात का ज़िम्मेदार है क्योंकि ये एक मसला है, तो उन्होंने कभी इसको मसला समझा ही नहीं, तो उन पर भी ये ज़िम्मेदारी आयत होती है। बच्चों ने तो इस मसले का हल एक सुपर हीरो क्रिएट करके पेश कर दिया है, लेकिन देखना ये है कि क्या बड़े भी बच्चों की तरह किसी सुपर हीरो के इंतज़ार में बैठे रहेंगे या इस मसले को वाकई हल करेंगे।